उत्तराखंड में मार्च महीने में बिजली का संकट गहरा गया है और यह संकट 1 अप्रैल से और गंभीर हो सकता है। राज्य में बिजली संकट को देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के लिए 400 मेगावाट बिजली की मांग की है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य को 72 लाख यूनिट बिजली गैर आवंटित की है, लेकिन प्रदेश में अप्रैल मई जून में बिजली जो संकट है वो होने की आशंका बनी हुई है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से मार्च 2024 तक के लिए 400 मेगावाट बिजली की मांग की है। राज्य में यदि बिजली का संकट गहराता है तो यह राज्य के लिए बेहद नुकसानदायक होगा। फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप होने के साथ ही राज्यवासियों को बिजली का कट का जो सामना है वो भी करना पड़ सकता है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी लगातार इस मामले को उठाती रही है। हमने विद्युत विभाग का घेराव भी किया और हमने तब भी पूछा था कि आखिर सरकार को इस मामले में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि आखिर ये संकट क्यों इस राज्य में आ रहा है। लगातार ऊर्जा प्रदेश होने के बाद ऐसा ऊर्जा प्रदेश किस काम का, जहां के राज्य वासियों को सबसे महंगी बिजली मिल रही है और बाहरी राज्य से महंगी दरों पर बिजली खरीद करनी पड़ रही हो। ये एक बड़ा घोटाला है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए और इस मामले में सरकार को श्वेत पत्र लाना। जो हमारी जो केंद्र की योजनाएं जो राज्य में चल रही हैं, उन योजनाओं को मजबूती प्रदान होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, हर चीज पर सरकार का ध्यान है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जनता से संवाद भी कर रहे हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं और बजट में लोगों के सुझाव भी मांगे हुए हैं। तो सभी के सुझावों को समावेश करते हुए ये बजट उत्तराखंड में राज्य के प्रगति और विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। 2025 उत्तराखंड राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, ऐसी प्राथमिकता है। अभी व्यासी प्रोजेक्ट पिछले साल कमीशन हुई थी, व्यासी के बाद अब लखवाड़ प्रोजेक्ट पे वर्क अवार्ड हो चुका है, बहुत जल्दी उसमें कार्य प्रारंभ हो जाएगी। और किशाऊ परियोजना को लेकर के भी हम लोग काफ़ी प्रयासरत हैं। स्टेट के अनुरोध पर पीएमओ से लेवल पर मीटिंग भी रखा गया था, उसी बीच में जोशीमठ त्रासदी आ गई थी। जोशीमठ त्रासदी में अब लोग कुछ लोगों ने एनटीपीसी के परियोजना के ऊपर ब्लेम लगा दिया है। ये सब चीज़ें भी हमारे स्टेट के लिए ओवरऑल नुकसान में जाता है, क्योंकि जो पीएमओ लेवल पर मीटिंग होने जा रही थी वो जोशीमठ त्रासदी के बाद वो मीटिंग जो है पोस्टपोन कर दी गई है। तो इसलिए मैं सभी प्रदेशवासियों से भी अनुरोध करता हूं कि यहां जो भी घटनाएं घटती है उसको तुरंत जल विद्युत परियोजना के ऊपर हम लोग ब्लेम न करें और कल को जो है हम लोग प्रदेशवासियों को बिजली देने के पोजीशन में नहीं रहे।